पुराने सभी केस सुप्रीम कोर्ट खुद खत्म करने जा रहा है और किसी पार्टी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप भी अपने पुराने केस को खत्म करवाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनहरा अवसर आप लोगों को दिया, आप अपने पुराने से पुराने केस को एक झटके में खत्म करवा सकते हो। लेकिन एक झटके में खत्म करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उन डॉक्यूमेंट को कैसे आप सुप्रीम कोर्ट तक भिजवा सकते हो, तो सारी बातें इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि किन किन केस का सुप्रीम कोर्ट निपटारा करवाने वाला, यानी कि एक झटके में फैसला करवाने वाला है। तो अगर आपका मामला शादी ब्याह से संबंधित है तो आपका निपटारा हो जाएगा जी, चाहे आपका मामला कितना ही पुराना क्यों ना हो। शादी विवाह से संबंधित, मान के चलो आपका तलाक का केस है, वो भी शादी से संबंधित होता है। आपके ऊपर कोई झूठा दहेज का केस लगा हुआ, कोई सच्चा दहेज का केस लगा हुआ है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी आपका 406 का मैटर है, कोई भी मेंटेनेंस का मैटर, यानी कि शादी से संबंधित, कोई दूसरी शादी कर ली, पहली शादी नहीं गई, जो भी था शादी से संबंधित अगर आपका कोई भी मैटर है और काफी साल से चल रहा है। काफी सारे लोग ये भी हमको बताते हैं कि सर 5 साल से मेरा तलाक नहीं हो पा रहा, 10 साल से मेरा तलाक केस चल रहा है। तो अगर आपका मैटर भी पुराने से पुराना है, यानी कि कई साल से चल रहा है, आपको कोई नया नहीं मिल रहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहली बार किया है, आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक्शन लिया है कि सारे जो केस है ना मेरे पास ले आओ, मैं एक दिन में इनका निपटारा करवा दूंगा। तो आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट भेजने, आपका निपटारा हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट कैसे भेजने वो भी आपको बताने वाला हूं। दूसरा विवाद अगर आपका संपत्ति विवाद है, यानी कि अगर कोई आपका ऐसा विवाद है जो संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका विभाजन का विवाद है, आप दो भाइयों की जमीन है उसका बंटवारा नहीं हो रहा, किसी ने आपका हिस्सा नहीं दिया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका कोई विवाद है और आपका केस चले हुए सालों साल हो चुके हैं, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, आप सिर्फ परेशान हो रहे हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद उसका फैसला करवाने वाला है और एक दो दिन में निपटारा कर देगा। इस पर टाइम नहीं लगेगा, अब हाथों हाथ निपटारा भाई। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि देखो अब नया कानून लागू होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यही है कि नया कानून जो आएगा तो नए सिरे से ही चलाए, पुराने केस है जितना जल्दी हो सके उनको खत्म कर दे, उनका निपटारा करवा दे। तो उस निपटारे के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया 75 साल के बाद में। ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आ चुका है, ये अनाउंस हो चुका है, रिलीज हो चुका है कि आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, और अपने पुराने से पुराने केस का निपटारा करवा लो। तीसरा मामला अगर जो है शादी से, प्रॉपर्टी से, अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट से संबंधित अगर कोई मामला है, यानी कि अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से कोई डेथ हो गई है और उसका मामला कोर्ट में चला हुआ है काफी साल से, यानी कि 304 एक आम केस बोल सकते हैं आईपीसी के, ठीक है, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कोई लिफ्ट से एक्सीडेंट हुआ है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगर कोई ऐसा मामला चला हुआ है, तो आप एक्सीडेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो आप उसका निपटारा आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कर सकते हो। अब आपको एक दो दिन में, या चाहे आपका मामला कितना ही पुराना हो, आपका एक दो दिन में निपटारा होने वाला है। तारीख भी अनाउंस कर दी, तारीख भी बता दी किस तारीख को, देखो 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 के बीच में ये आपका चलेगा मैटर, और इस मैटर में जितने पुराने केस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इन सब का निपटारा सुप्रीम कोर्ट खुद करवाने वाला है, किसी पार्टी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगला मैटर बता दिया, अगर मुआवजे से संबंधित मैटर है, मुआवजा अगर आप मुआवजा चाहते हैं, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी खराब कर दी, आप उससे मुआवजा चाहते हैं, कोई मान हानि का केस, आप उससे मुआवजा चाहते हैं, अगर आपका मुआवजे का कोई केस है, यानी कि पैसे धेले का अगर कोई केस है, सालों साल हो गए उसको चलते हुए, तो उस केस का भी आप निपटारा करवा सकते हो। देखो सिर्फ ये जो कैटेगरी बताई गई है ना, इनसे संबंधित मैटर ही अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इस तारीख को, यानी कि जो एक झटके में निपटारे वाली बात है ना, सिर्फ इनसे संबंधित, इनके अलावा नहीं। दो कैटेगरी और बता दी, एक कैटेगरी ये बता दी कि अगर किसी ने संपत्ति पे कब्जा किया है, संपत्ति पर कब्जा, उस कब्जे से संबंधित मैटर भी सुने जाएंगे जी। अगर आपकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर लिया, अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट की कॉल आई थी, सर कि हमारे दादाजी ने ना 1948 में कोई जमीन खरीदी थी और उसके ऊपर कोई और कब्जा करके बैठ गया, हमको अब पता चला है। तो ऐसे जो कब्जे के मैटर है आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में अब उसका निपटारा हाथों हाथ होने वाला है। तो इन कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, वो भी हाथों हाथ। इसके अलावा एक कैटेगरी और बता दी, अगर आपका मैटर लेबर लॉ का है, लेबर लॉ का मतलब होता है आपने यहाँ पे किसी के यहाँ पे नौकरी की है, वो आपकी मजदूरी खा गया, ठीक है, वो तो ये लेबर लॉ आप समझ गए होंगे, लेबर लॉ। अगर लेबर लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, आपने किसी के यहाँ पे काम किया, कोई आपके पैसे खा गया, कोई आपका कमीशन खा गया, तो उससे रिलेटेड अगर मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक झटके में खत्म करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आ चुका है जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 18/6/2024 देख लो, 18/6/2024 को इन्होंने रिलीज कर दिया इस नोटिस को और वेलकम किया कि आ जाओ, कि 75 साल के बाद, यानी कि जैसे अपना देश आजाद हुआ 75 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट पहले बार क्या करने जा रहा है, ऐसे केसों का निपटारा खुद करवा देगा जी, जो आपके सामने मैंने जो कैटेगरी आपके सामने बताई है, ठीक है। अब ये कागजात आपको कैसे भेजने वो बता देता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, एक लोक अदालत में, इसको हिंदी में कर देता हूं आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो वो हिंदी की है भाई, ठीक है। देखो, स्थापना के 75वें वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त लंबित मामलों में निपटान की सुविधा के लिए 29/7/2024 बोले तो 29 जुलाई
2024 से लेके और 3 अगस्त 2024 तक क्या करने जा रहा है, एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। लोक अदालतें इस देश में न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो तेजी लाने और सौहार्दपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ाती है। यानी कि एक लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसका मकसद यही है कि वे जल्दी से जल्दी ऐसे केस का निपटारा कर दिया जाए ताकि समाज के अंदर शांति बनी रहे। आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और कुशल न्याय वितरण की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वैवाहिक और संपत्ति विवाद, अब इसके अंदर जो मैटर बताए वो देख लो। वैवाहिक अगर आपके विवाद हैं तो उनको लिया जाएगा, संपत्ति विवाद है उनको लिया जाएगा, मोटर एक्सीडेंट है जो एक्सीडेंट की मैंने आपको कैटेगरी बताई थी उनको लिया जाएगा, किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया उसको लिया जाएगा, मुआवजे से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, सेवा या श्रम से रिलेटेड यानी कि कोई सर्विस या फिर लेबर लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो निपटान के इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करवाने की पूरी कोशिश करेगा जी। और इसका जो ओरिजिनल है वो ये है, देखो ये अनाउंस किया है। अब इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो भी देख लेते हैं। और भाई यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें, ठीक है। और किसी भी कानूनी जानकारी के लिए अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। देखो ये ओरिजिनल है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे बता दिया। देखो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल लोक अदालत, भाई इसका फायदा क्या होगा, तो स्विफ्ट कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट, भाई जितने भी डिस्प्यूट है उनका कॉम्प्रोमाइज करवाने की या फिर सेटलमेंट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फाइनल यानी कि जो जजमेंट होगी वो फाइनल होगी, फिर उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है, मामला रफा दफा हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव रेजोल्यूशन डिस्प्यूट हो जाएगा। रिफंड ऑफ कोर्ट फीस, यानी कि अगर आपकी कोई कोर्ट फीस लगी है तो वो भी आपकी रिफंड हो जाएगी, कोई कोर्ट फीस आपकी नहीं लगने वाली है किसी भी पार्टी की। अब डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो और बता देता हूं आपको, ठीक है। पहली चीज तो आपको आपका केस नंबर पता होना चाहिए, केस नंबर कि आपका केस नंबर क्या है, केस नंबर या आपका डायरी नंबर क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, आपका टाइटल क्या है, सूट ऑफ टाइटल, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके एडवोकेट का नाम क्या है उस केस में, अगर आप अपना केस खुद लड़ रहे हैं तो एडवोकेट के नाम की जरूरत नहीं है। यानी कि ये तीन चीजें मस्ट है, केस नंबर, टाइटल नंबर और आपके एडवोकेट का नाम अगर है तो आप वो डाल सकते हो। अगर आप अपना केस खुद लड़ रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है। इन तीनों के साथ में और आपके केस के जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ में आपको क्या करना है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आपको इस नंबर पे ईमेल डालना है जी, ठीक है, special.lokadalat@scinet.in बोले तो इंडिया, मैं यहां पे लिख के भी दिखा देता हूं, यहां पे आपको मेल कर देना है। हो जा भाई, हो जा साइड में, हो जा थोड़ा सा, देखो यह बता दिया स्पेशल, अरे यार special.lokadalat@ADA, ये स्पेलिंग देख लेना क्योंकि ये मेल पे जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग तभी मैं बार बार देख रहा हूं स्पेलिंग मिसमैच ना हो जाए, @ फिर बता दिया SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया NIC.in, इसके ऊपर आपको क्या करना है, मेल करना है जी, इसके ऊपर आपको मेल डाल देना है, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई और आपके केस के जो डॉक्यूमेंट है वो आप डाल देना यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये जो तारीख डिसाइड की गई है 29 जुलाई से 30 अगस्त तक, इस बीच में आपको बुला लिया जाएगा और आपके केस का क्या करवा दिया जाएगा, निपटारा करवा दिया जाएगा। तो आप अपने पुराने से पुराने केस का निपटारा आप करवा सकते हैं। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं कोर्ट कचहरी के चक्करों से कि यार इतने साल हो गए यार कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई न्याय ही नहीं मिल रहा है, तो अब ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट आजादी के बाद करने जा रही है और इसका मकसद यही है कि नया कानून जो लागू होने जा रहा है उससे पहले पहले जितने कम हो सके उतने केसों को कम करो भाई, जितने पुराने केस हैं। तो अब जो कैटेगरी मैंने बताई है इन कैटेगरी को ध्यान में रख लेना, और अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने केस का निपटारा करवा सकते हो, कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है, ठीक है। काफी सारे लोग है ना हाई कोर्ट जाते हुए डरते हैं कि हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में मोटी फीस लगेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहां तो और भी ज्यादा मोटी फीस लगेगी, तो फीस वाला जो लफड़ा है वो पहले कोर्ट ने कर दिया कि अब तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आप ऐसे मामलों को निपटवाओ, बस जैसे तैसे करके आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, सेटलमेंट करना है, तो फटाफट ऐसे मामलों का निपटारा करवाओ। तो अब निपटारा होने वाला है, तो अगर आपका मामला बहुत सालों से चल रहा है, कोई तलाक का केस, काफी सारे केस आए तलाक के, सर 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो भाई अब आप एक ट्राई तो करके देखो
ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई आपको करना चाहिए आई थिंक। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपके केस का निपटारा होने वाला है, ये नोटिस आ चुका है। और जिसको ये नोटिस चाहिए कैसे मिलेगा बता देता हूँ आपको, ना डिस्क्रिप्शन में करंट वेब का लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें, आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉइड वालों के लिए भी है। जैसे आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल के बाद आपको कॉर्नर पे ना थ्री लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करते आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते आपको जजमेंट दिखाई देगी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का लोक अदालत वाला नोटिस आपको ओरिजिनल वाला मिल जाएगा, इसको आप देख लेना पढ़ लेना ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो यहां से ले लो। तो थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी। और ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। थैंक यू।